नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। क्या पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और मौजूदा वक्त में सियासी पारी खेल रहे इमरान खान की शादी हो गई है? कल तक ये अटकल जोरों पर थी, लेकिन अब इससे पर्दा हट चुका है। इमरान खान की जिंदगी की नई पारी शुरू हो चुकी है और उनकी इस पारी में उनकी हमसफर बनी है रेहम खान। रेहम खान से इमरान ने इस्लामाबाद में निकाह फरमाया है। वैसे कुछ दिन पहले इमरान खान ने भी कह दिया था कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। आखिरकार इंतजार खत्म हो गया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने गुड न्यूज दे दी। खबर इमरान की शादी से जुड़ी है। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने किया। अब तो इमरान की शादी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान ने शादी कर ली और इमरान की हमसफर बनी टीवी पत्रकार रेहम खान। हालांकि ब्रिटेन के एक अखबार ने पहले ही दावा कर दिया था कि तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान ने शादी कर ली है। इमरान से जुड़ने वाली वो खुश नसीब इंसान है रेहम खान। रेहम खान पेशे से एक टीवी पत्रकार हैं और पाकिस्तान में ही एक न्यूज चैनल में एंकर हैं। आप भी गौर से देख लीजिए उस रेहम खान को जिन्होंने इमरान की जिंदगी का हिस्सा बनने का फैसला किया है, जो अब इमरान की खुशी बन चुकी हैं। ये टीवी पत्रकार हैं, बेहद हसीन हैं, वेस्टर्न डांस की महारती भी हैं। इस्लामाबाद के बाहरी इलाके बनी गला के एक फार्म हाउस में दोनों ने निकाह फरमाया, जिसमें कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए। निकाह में इमरान ने अपनी नई नवेली पत्नी रेहम को 1,00,000 रुपए मेहर में अदा भी किए। हालांकि पेशावर ब्लास्ट की वजह से दोनों ने शादी का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। वैसे ब्रिटिश अखबार के मुताबिक कुछ दिनों पहले लंदन से पाकिस्तान आते वक्त इमरान ने रेहम खान से अपनी शादी पर चुप्पी तोड़ दी थी। अखबार के मुताबिक इमरान ने लंदन के हीथरो एयरपोर्ट पर क्या खुलासा किया था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। मैंने बीबीसी गर्ल से शादी कर ली है। शादी को छिपाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। जब भी शादी करने का वक्त होगा, मैं उसे जरूर सार्वजनिक करूंगा। क्या शादी करना कोई गुनाह है? इंग्लैंड से पाकिस्तान लौटने के बाद मैं देश को गुड न्यूज दूंगा। इमरान खान जब क्रिकेट के मैदान पर थे तब भी सुर्खियों में थे, जब राजनीति में आए उस वक्त भी सियासी दुनिया में खलबली मची और अब निजी जिंदगी में भी सबसे बड़े बदलाव की खबर से हेडलाइंस में शामिल हो गए हैं आज तक ब्यूरो। रेहम खान, यही नाम है उस मोहतरमा का जिनके साथ इमरान खान ने शादी की है। हम आपको बता दें कि रेहम खान का जन्म और परवरिश वैसे तो विदेशी धरती पर हुआ है, लेकिन उनका दिल धड़का पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान के लिए। आपका परिचय कराते हैं रेहम खान से। पहले भी कह दिया था, इशारा भी कर दिया था और अब तो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। पहले लंदन से गुड न्यूज दिया और अब पाकिस्तान में आकर उस पर अमल भी कर लिया। खैर, अपनी धरती से अपनी जिंदगी में आई खुशियों का इमरान ने देर सवेर सबूत तो पेश कर ही दिया, लेकिन आप ये भी बेसब्री से जानना चाहते होंगे कि आखिर ये रेहम खान है कौन। रेहम खान का ताल्लुक भी खबरों की दुनिया से ही है। जी हाँ, खबरों में छाई रेहम खान एक न्यूज एंकर है और लोगों तक खबरें पहुंचाती है, लेकिन इस बार खुद सुर्खियों में ऊपरी पायदान पर है। रेहम का पेशा यूं तो पत्रकार का है, लेकिन उनकी जिंदगी में कई किरदार हैं जिनके अलग अलग रंग हैं। लैटिन डांस टैंगो में भी रेहम का कोई जवाब नहीं, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। रेहम खान के बारे में हम आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। रेहम 41 साल की हैं, जिनका जन्म 1973 में लीबिया में हुआ। हालांकि परिवार में डॉक्टरों और वकीलों की भरमार थी, लेकिन रेहम ने पत्रकारिता को अपना पेशा बनाया और इंग्लैंड में बीबीसी में मौसम एंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। 2006 में रेहम ने लीगल टीवी को ज्वाइन किया और 2007 में सनशाइन रेडियो, हेयरफोर्ड और वॉरचेस्टर में नौकरी शुरू की। 2008 में रेहम ने फिर से बीबीसी में ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। बीबीसी में 5 साल तक पत्रकार रहने के बाद रेहम ने 2013 में पाकिस्तानी चैनल न्यूज 1 का रुख किया
और मौजूदा तारीख में रेहाम पाक न्यूज चैनल आज टीवी से जुड़ी है। कमाल देखिए कि जिस रेहाम से इमरान ने अपनी जिंदगी की डोर जोड़ी है कि वो भी उनके सामने छोटे पर्दे पर आ चुकी है। दोनों आमने सामने हैं और रिश्ता जुड़ा है सवाल और जवाब से। जी हाँ, रेहाम टेलीविजन के लिए इमरान का इंटरव्यू ले चुकी है। इमरान से साक्षात्कार बेशक कुछ पुराना है, लेकिन किसे क्या पता था कि इमरान से सवाल पूछने वाली रेहाम ही किसी दिन उनकी खुशियों का जवाब बनेगी। आज तक ब्यूरो। बेशक इमरान और रेहाम की शादी पर अब 100% मुहर लग चुकी है, लेकिन इमरान ने बहुत पहले ही यह इशारा कर दिया था कि उनकी जिंदगी में कोई दाखिल हो चुका है। इमरान की पूर्व पत्नी जमीमा ने भी तलाक के बाद ये कहा था कि इमरान शादी करना चाहते। सियासी जरूर था, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में आने वाली खुशियों का इजहार किए बिना इमरान नहीं रह सके। एक बार फिर सुनिए इमरान ने एक रैली के दौरान क्या कहा। इमरान की पूर्व पत्नी जमीमा ने भी खुलासा किया था कि वो अपना सरनेम खान हटाकर फिर से अपने साथ अपना पारिवारिक नाम जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि इमरान फिर से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तब कहा था, मेरे पूर्व पति इमरान ने हाल में घोषणा की कि वो फिर से शादी करने की मंशा रखते हैं, जिससे मुझे लगा कि अब समय आ गया है जबकि मुझे अपना नाम बदलकर फिर से गोल्डस्मिथ कर देना चाहिए। आखिरी महीने में ही इमरान खान की शादी की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। उस वक्त यही कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान के राजनेता और पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान ने शादी कर ली है। हालांकि दिसंबर में इमरान को ट्वीट से सफाई तक देनी पड़ गई। मेरी शादी की खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। आज तक इमरान खान और रेहाम ने एक साथ नई पारी की शुरुआत कर दी है। इमरान खान शुरू से अपनी किंग साइज जिंदगी की वजह से चर्चा में रहे। हालांकि 1995 में जमीमा से शादी हुई और जो 9 साल तक चली, लेकिन उससे पहले कई बार कई लड़कियों से इमरान के मोहब्बत के फसाने सामने आते रहे, कभी जीनत अमान के साथ तो कभी बेनजीर भुट्टो के साथ। बात करीब 20 साल पहले की है, जब 1995 में जमीमा ने मुस्लिम रीति रिवाज से इमरान खान से पेरिस में निकाह किया था। जमीमा ब्रिटिश मूल की थी और उस वक्त इमरान खान की शोहरत शबाब पर थी। 1992 में इमरान ने पाकिस्तान को अपनी करिश्माई कप्तानी में वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया। इमरान का जलवा पाकिस्तान के अलावा उन सभी मुल्कों में था जहां क्रिकेट को लेकर दीवानगी थी। दीवानगी उस ब्रिटेन में भी थी जहां इमरान पर जमीमा गोल्डस्मिथ की नजरें इनायत थी और इमरान भी जमीमा के बंधन में बंधने से खुद को रोक न पाए। शादी से पहले जमीमा गोल्डस्मिथ थी, लेकिन 1995 में शादी के बाद वो जमीमा खान बन गई। इमरान से शादी के लिए 21 साल की जमीमा ने ईसाइयत छोड़ इस्लाम को कबूल कर लिया और इमरान के साथ जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का रुख किया। क्रिकेट की दीवानगी से पैदा हुआ रिश्ता 9 साल तक फलता फूलता रहा, लेकिन 2004 आते आते संबंधों की गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। 2004 में दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली और अलग होने का फैसला किया। अब दोनों के बीच तलाक हो चुका है। जमीमा इस वक्त लंदन में अपने दोनों बच्चों सुलेमान खान और कासिम खान के साथ हैं। इमरान बेशक अपने नए हमसफर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रेहम और जमीमा से पहले भी इमरान की जिंदगी में कई हसीन चेहरों का तड़का लग चुका है। इसमें बॉलीवुड हसीनाओं से लेकर सियासी हस्तियों के नाम तक शामिल हैं। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान और इमरान के इश्क की चर्चा थी। कहानी तो तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के भारत दौरे के बीच उन दोनों की मुलाकात हुई। कहा यह भी जाता था कि इमरान के दोस्त जीनत के नाम पर उन्हें छेड़ा करते थे। इमरान का नाम पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो से भी जोड़ा गया। इमरान खान पर लिखी एक बायोग्राफी में लिखा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान बेनजीर और इमरान एक दूसरे के बेहद करीब थे। हालांकि बाद में दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल लिए। इनके अलावा भी इमरान का नाम कई दूसरी लड़कियों और महिलाओं से जोड़ा गया, लेकिन रिश्तों की चिंगारी इससे पहले कि आग बन सके बुझ गई। फिलहाल इमरान अपनी जिंदगी में काफी आगे आ चुके हैं, राजनीति में मंजिल पाने के लिए नए रास्ते पर बढ़ चले हैं और वो भी अपने नए साथी के साथ। उम्मीद है कि जीवन का ये सफर नए हमसफर के साथ लंबा चले। आज तक ब्यूरो। आज के हल्ला बोल का सवाल,
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ATY लिखें, अगर नहीं है तो ATL लिखकर इसे 52424 पर SMS करें।